सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है सेवन्थ क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर है हमारा सिक्स, टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। आज हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे आसपास दैनिक जीवन में हमारे आसपास अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, और वो दो भाग कौन से हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पहला कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और आज इन्हीं परिवर्तनों के बारे में सेशन में अपन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। पदार्थ के आकार, आमाप का मतलब होता है उसकी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? उसका आकार, उसका आमाप, उसकी अवस्था और रंग, ये सभी उसके क्या है? भौतिक गुण। और इन्हीं गुणों में परिवर्तन, तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में और भौतिक गुण कौन से होते हैं? उसका आकार है, दूसरा है आमाप, आमाप का मतलब होता है उसका साइज है, रंग है आदि में क्या हो जाता है? परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन। हो जाता है क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, आमाप, रंग में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, और इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पदार्थ निर्मित होगा वो नया पदार्थ नहीं होता, और ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ कि ये अपने, जैसे कि मान लो कोई भी परिवर्तन होगा लेकिन ये वापस से कहाँ आ जाते हैं? अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, और इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये हो गया है हमारे पास भौतिक परिवर्तन परिभाषा, नोट कर लेना इसकी। दूसरा है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें
में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में तो क्या पढ़ा था कि उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसमें केवल पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा इसमें है रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। परिभाषा नोट कर लेना इसकी भी। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? जो ये रासायनिक परिवर्तन है वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि। ये सभी क्या है? किसके फलस्वरूप बनते हैं? रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही इनका निर्माण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं के श्रृंखलाओं का उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, अपमार्जक है, उनको भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन से ही हो पाई है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती है। कौन कौन सी घटनाएं? चलिए देखते हैं। पहला है उष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम पराबैंगनी का निर्मुक्त, निर्मुक्त होता है बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करना। तीसरा है हमारे पास गंध में परिवर्तन होना व किसी नए गंध का बनना। चौथा है हमारे पास किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना या फिर किसी गैस का बनना। ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम का जो फीता होता है जब उसको जलाया जाता है तो यह भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो कोयला, लकड़ी या पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो क्या करती है? वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। क्या करती है? ये हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत, ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन को परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। अब हम बात करते हैं ओजोन का जो ये अपघटन होता है वह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती है तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंच करके हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचा सकती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, अब है लोहे पर जंग लगना। तो ऐसा परिवर्तन जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है,
धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। जैसे कि मान लो लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कांच, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने व अन्य कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। इसमें लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जंग। जंग जिसमें इसका सूत्र होता है आयरन ऑक्साइड, इसे बोलते हैं। चलिए इसके लिए अभिक्रिया देखते हैं। लोहा जो होता है वो किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन प्लस जल के साथ मिलकर लोहे को Fe से प्रस्तुत करेंगे। ऑक्सीजन के लिए O2 है, जल के लिए H2O। ये तीनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? जंग। जंग जिसे बोला जाता है आयरन ऑक्साइड, इसका सूत्र है Fe2O3। नोट कर लेना इसे भी। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या जल वाष्प दोनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है अर्थात नमी अधिक होती है तो जंग जल्दी लगती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जंग है उसको लगने से कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम कैसे हो। तो लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचा करके हम इसे रोक सकते हैं। इसका एक सरल उपाय है, इस पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ानी होती है। वास्तव में लोहे को सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट व ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने से उसे रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिसे बोलते हैं जिंक, जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन। परिभाषा नोट करना है, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। इसके अलावा पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज जो होते हैं उन पर पेंट करने के बाद भी उनमें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेनलेस जो स्टील होती है उसमें स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर के बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील होती है, पहले इसको नोट करना, स्टेनलेस स्टील लोहे में किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बनी होती है। इससे क्या होता है? इससे इसमें जंग नहीं लगता है, बनी होती है। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज से मिलकर बनी होती है, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक क्रिस्टलीकरण। चलिए देखते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। साधारण नमक जैसे कि लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है। उन्हें क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से देखा
नहीं जाता है, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, और यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये वाला जो हमारे इसमें अपन ने पढ़ा पाठ में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़े, क्रिस्टलीकरण पढ़ा, ये जो हमारा पाठ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका आपको होमवर्क करना है। इस पाठ में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप